मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का एक शिक्षक हूँ जो किसी तरह से स्थायी हो गया हूँ, लेकिन मुझे प्रोन्नति नहीं मिल रही है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का शिक्षक हूँ जो रिटायर हो गया हूँ, मुझे पेंशन नहीं मिल रही है। इससे बड़ी व्यथा किसी विश्वविद्यालय में नहीं हो सकती। देश की, हिंदुस्तान की लगभग 40 विश्वविद्यालयों में, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इस समय एक तिहाई पद रिक्त पड़े हैं, और सबसे बुरा हाल दिल्ली विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का है। सरकारी नीतियां क्या है, नीति आयोग क्या कर रहा है, ये हमारे से किसी से छिपा हुआ नहीं है। एडहॉक के एब्जॉर्प्शन की बात हम करते हैं, क्यों करते हैं, इसका जवाब भी हम सबके पास है। अब मेरे से पीछे जितने भी पूर्व वक्ता थे सबने इस बात पर पूरी गौर फरमाया कि कितने सालों से एडहॉक काम कर रहा है, और अभी हमारे मित्र सैकत घोष ने जो बात कही कि ये टूटा को प्रण लेना चाहिए, एक एक शिक्षक को ये प्रण लेना चाहिए कि आगामी सत्र में हर एक एडहॉक की ज्वाइनिंग कंटिन्यू की जाए। ये प्रण क्यों लेना पड़ता है ये सोचना चाहिए हमें। ये प्रण इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि एक एक एडहॉक को बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है, और अपने 4 महीने की सैलरी को मुकम्मल तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हर 4 महीने बाद घुटने टेकने पड़ते हैं। सरकारी नीतियों में एक तरफ तो सरकार ये कहती है, यूजीसी ये कहती है, MHRD का ड्राफ्ट ये कहता है कि आप MPhil और PhD के बिना अपॉइंट नहीं हो सकते, आप प्रोन्नत नहीं हो सकते, प्रमोट नहीं हो सकते, और दूसरी तरफ हमारे MPhil और PhD के इंक्रीमेंट छीने जा रहे हैं। क्या ये विरोधाभास नहीं है, क्या ये दोगली नीति नहीं है? तो इस दोगली नीति के लिए, इस विरोधाभास के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसका डटकर मुकाबला करेंगे। हम एब्जॉर्प्शन भी चाहते हैं, प्रमोशन भी चाहते हैं, पेंशन भी चाहते हैं, और तीनों स्तरों पर कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। हमें एकजुट होकर फिर से जिस तरह से थर्ड अमेंडमेंट हुआ था, थर्ड अमेंडमेंट में जो लामबंदी डूटा के नेतृत्व में हम सब शिक्षकों की थी, छात्रों की थी, वही लामबंदी हमें फिर से करनी होगी। उस लामबंदी के बगैर हम ये सफलता नहीं पा सकते। एब्जॉर्प्शन मार्च ऑन, एब्जॉर्प्शन मार्च ऑन, प्रमोशन मार्च ऑन, प्रमोशन मार्च ऑन, पेंशन मार्च ऑन, पेंशन मार्च ऑन। साथियों, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि टूटा कभी जीत नहीं सकती यदि हम हार मान लेंगे, और टूटा कभी हार नहीं सकती यदि हम ठान ले। TUTA मार्च ऑन, TUTA जिंदाबाद।